अरवल में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बार अरवल के कलेर थाना पुलिस ने एक कार से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। NH 139 पर वाहन जांच अभियान के दौरान कार को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार की डिक्की से विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार शराब झारखंड से लाकर आरा पहुंचाई जानी थी। गिरफ्तार चालक पहले भी शराब की तस्करी में जेल जा चुका है। कलेर पुलिस ने दूसरी बार इस चालक को शराब की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। DSP ने बताया कि लगातार शराब तस्करी रोकने को लेकर अभियान चलाया जाता रहेगा। वाहनों की तलाशी लेने के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली। विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल से बबलू की रिपोर्ट। NH 139 नंदिनी होटल के पास औचक हम लोग वाहन जांच लगाए थे। उसी क्रम में एक मारुति सुजुकी वाहन को जांच के लिए रोका गया तो उसके चालक प्रेम कुमार भागने लगे। उनको पीछा करके गिरफ्तार किया गया और उस वाहन की जांच की गई तो उसमें से 180 लीटर रॉयल स्टार कंपनी की विदेशी शराब बरामद हुई और इसकी गिरफ्तारी भी की गई है। पूर्व में भी जेल जा चुका है। हाँ, ये जो गिरफ्तार हुए हैं चालक, उनका नाम है प्रेम कुमार, ये हैं बोकारो के। पूर्व में भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी कलेर थाना कांड संख्या 104/22 में 23/11/2022 को। फिर से इसमें कल गिरफ्तारी हुई है। प्रोफेशनल शराब कारोबारी है या कारोबार में जुड़ा हुआ रहता है? ये पहले भी गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से पहले भी जुड़े रहे हैं, इस बार भी इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता कर रहे हैं कि और ये किनसे किनसे जिनका तार जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में पता करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।